पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पर काफी बार सवाल आते रहते हैं, मोटापा कम है, लंबाई कम है, मेरा लिंग छोटा हुआ है, ऐसे प्रॉब्लम्स लेके बहुत योग मेरे पास में आते रहते हैं। तो उसके बारे में मैं आज और बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि लिंग का जो नॉर्मल साइज है वो यदि बड़ा है तो वो अपने औरत को अच्छा संतुष्ट कर सकते हैं, लिंग का साइज छोटा है तो औरत संतुष्ट नहीं होगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंग का लंबाई जो है और चौड़ाई जो मतलब मोटापा जो है वो और संतुष्टि का वैसा कुछ रिलेशनशिप है नहीं। अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं तो अमेरिका में जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन, अमेरिका के जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के रिपोर्ट के अनुसार एक एवरेज लिंग का जो नॉर्मल साइज है, लंबाई जो है, वो इरेक्शन के बाद में 5.6 इंच ऐसी नापी गई एवरेज में। इंडियाना यूनिवर्सिटी में शोध किया गया, शोध प्रबंध में 1661 पुरुषों का लिंग नापा गया, उनको नापने के लिए कहा गया, और इरेक्शन जब है तब उनको नापने के लिए कहा गया। तो सबसे छोटा साइज जो था वो था 1.6 इंच और सबसे बड़ा जो था वो 10.2 इंच। तो इसका मतलब वो एवरेज में अप्रॉक्सीमेटली 5.6 इंच आता है, और मोटापा जो है वो एवरेज में 4.8 इंच ऐसा मालूम पड़ा। तो ये जो लंबाई है उसका एक्चुअली महिला के संतुष्टि से कोई संबंध है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि 80-85% महिलाओं ने ये बोला कि हमको लंबाई से या गोलाई से कुछ भी मतलब नहीं, हमको संतुष्टि मिलती है कितना भी लिंग का साइज लंबा रहा या मोटा रहा तभी भी। तो महिलाओं को कोई साइज का या लंबाई का मायना रखता नहीं है महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए जब पूछा गया तो 55% पुरुषों ने ऐसा बोला कि वो अपने लिंग की लंबाई से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जो पॉर्न वीडियो देखते हैं तो पॉर्न वीडियो में बहुत लंबे लंबे जो लिंग देखते हैं वो लोग, तो उनको लगता है कि अपना छोटा है। दूसरा ऐसा है कि कभी कभी कुछ उनके दोस्तों में जब कॉमन टॉयलेट में जाते हैं तब लिंग देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि लिंग अपना उससे कंपैरिजन में अपना छोटा है। तो ऐसे कंपैरिजन जब करते तो छोटा लगता है उनको, और फिर उनको बहुत ही एक आत्मग्लानि होती है, डिप्रेशन आता है, नर्वसनेस आता है। कभी कभी कुछ औरतों को वो बार बार अपने मतलब पत्नी को पूछते हैं कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, तो वो कभी गलती से उसने बोल दिया कि हाँ ऐसा लगता नहीं मुझे कि तुम्हारा ठीक है या मुझे संतुष्टि मिली, मुझे कुछ ऐसा लगाने के अंदर गया कि नहीं गया, ऐसा उसने कभी गलती से भी बोल दिया तो उसको लगता है कि अपना छोटा है, इसलिए वो समाधानी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी गलतफहमियाँ इसके वजह से है। अदरवाइज लिंग की लंबाई जो है, साइज जो है, वो औरतों के लिए मैटर करती नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अपना खुद का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य है। थैंक यू वेरी मच।